हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं क्रेजी स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियंस बैंक के हेडक्वार्टर्स के ट्रिक बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। चाहे वो आप बैंक, एसएससी या रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की। सबसे पहले SBI आता है। तो देखिए, किसी भी बैंक के लास्ट में अगर इंडिया हो तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देखिए सबके लास्ट में इंडिया आ रहा है। इसका भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इंडिया आ रहा है, इंडिया इंडिया, और एक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी कैटेगरी में आता है। तो याद रखिए कि जिस बैंक के लास्ट में इंडिया हो वो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है इसमें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, तो इंडिया इंड्स विथ मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया इंड्स विथ मुंबई। जो भी जिसके भी लास्ट में इंडिया आएगा उसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। अब बात करते हैं दूसरे ट्रिक की। तो इंडिया स्टार्ट्स विथ चेन्नई। ठीक है, देखिए जैसे इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देखिए इसमें इंडिया पहले आ रहा है, इसमें भी इंडिया पहले आ रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, याद रखिए इंडिया स्टार्ट्स विथ चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बेंगलोर में किस किस बैंक का मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है? तो है विजया बैंक और कैनरा बैंक का। तो इसको कैसे याद किया जाए? तो इसका याद करने का ट्रिक है, ये आपको लाइन याद रखना होगा, विजया कैन बैंक इन बेंगलोर, या फिर विजय कैन बैंक इन बेंगलोर। तो विजय से हो गया विजया बैंक, कैस कैन से हो गया कैनरा बैंक, और बेंगलोर हो गया इसका हेडक्वार्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो विजया कैन बैंक इन बेंगलोर, इससे आपको विजया बैंक और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कोलकाता में किसका किसका सेंटर है, हेडक्वार्टर है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एक एक्सेप्शन था उसमें, वो यूनाइटेड कॉमर्स बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक और इलाहाबाद बैंक। देखिए जहाँ भी यूनाइटेड आए या बंधन, यूनाइटेड बंधन, यूनाइटेड मतलब क्या होता है? बांधना। तो जहाँ आए वो वहाँ याद रखना कोलकाता होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का और एक ट्रिक है, यूनाइटेड अलाहाबाद ओपेंस इन कोलकाता, यूनाइटेड अलाहाबाद ओपेंस इन कोलकाता। यूनाइटेड से हो गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्स बैंक और बंधन बैंक, इलाहाबाद इलाहाबाद बैंक, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की। देखिए जिसके भी स्टार्टिंग में पंजाब आए, ठीक है, उसका दिल्ली है। इसका याद करने का ट्रिक्स क्या है? पंजाब की महिला कॉमर्स पढ़ने के लिए दिल्ली जाती हैं, पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक। ठीक है, महिला भारतीय महिला बैंक ये वाला। ठीक है, कॉमर्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC बैंक। ठीक है, पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं? पढ़ने के लिए जाती हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। इसका क्या हो गया? पंजाब की महिलाएं कॉमर्स पढ़ने के लिए दिल्ली जाती हैं। तो पंजाब से हो गया पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, महिला से हो गया भारतीय महिला बैंक, कॉमर्स से हो गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और हाँ, और दिल्ली हो गया इसका हेडक्वार्टर। और यहाँ OBC का गुड़गांव है, वैसे OBC का गुड़गांव है हेडक्वार्टर, लेकिन ये भी उसके नज़दीक में ही है, इसलिए इसको दिल्ली ही माना जाता है। इसलिए याद करने के लिए आपको ट्रिक्स है कि दिल्ली याद करके रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं, देखिए कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिसका नाम पे ही आपको हेडक्वार्टर्स है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा से हो गया बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है, इसका हेडक्वार्टर हो गया। आंध्रा बैंक, आंध्रा प्रदेश कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद, पहले था, अब चेंज हो चुका है, अमरावती हो चुका है, तो हैदराबाद। तो इससे आपका तीनों का याद हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा से हो गया बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, आंध्रा बैंक हैदराबाद।
ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मुंबई में, मुंबई में मोस्टली जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, सबके हेडक्वार्टर मुंबई में ही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक्स, ठीक है। एक देना बैंक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो याद रखते हैं जितने प्राइवेट बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो मुंबई में है। एक देना बैंक है साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिशूर में, त्रिशूर में तीन बैंक हैं, एक साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और कैथोलिक सीरिया बैंक। तो साउथ इंडिया की लक्ष्मी त्रिशूर जाके कैथोलिक में कन्वर्ट हो गई, याद रहेगा। साउथ इंडियन गर्ल लक्ष्मी त्रिशूर जाके कैथोलिक में कन्वर्ट हो गई, कैथोलिक चर्च वो होता है ना क्रिश्चियन के रिलेटेड, उसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सिंडिकेट बैंक की, सिंडिकेट बैंक की हेडक्वार्टर है मणिपाल। ये मणिपाल वो मणिपाल नहीं जो सोच रहे, ये मणिपाल बेंगलोर के आसपास है, वहाँ के है बेंगलोर, ठीक है। अब बात करते हैं कॉरपोरेशन बैंक और कर्नाटका बैंक की, तो इसके मैंगलोर है। ये आपको कुछ बैंक्स हैं जिसके आपको याद रखना होगा, इनका कोई ट्रिक्स नहीं है। ये इसका तो मैं ट्रिक्स बताया हूँ, साउथ इंडियन गर्ल लक्ष्मी गो टू त्रिशूर एंड कन्वर्टेड इनटू कैथोलिक, ठीक है। और बाकी ये सिंडिकेट बैंक का मणिपाल होता है, कॉरपोरेशन बैंक का और कर्नाटका बैंक का मैंगलोर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर।